गाइज वेलकम बैक टू माई चैनल। तो गाइज अभी हम लोग जा रहे हैं मेवान के स्कूल में, बिकॉज उसकी आज यूनिफॉर्म वगैरह मिलनी है, क्योंकि 3 तारीख से उसकी क्लासेस स्टार्ट है। तो बस आज संडे था तो हम लोगों ने सोचा यही काम कर लेते हैं। तो बस अभी हम लोग जाने वाले हैं और उसकी यूनिफॉर्म और ड्रेस वगैरह सब, बुक्स वगैरह जो कुछ भी मिलता है वो सब लेकर आते हैं और आपको वहाँ पर भी दिखाते हैं कि क्या क्या उनका प्रोसेस है बुक्स वगैरह देने का और कैसे कलेक्ट करना है। तो बने रहेगा मेरे ब्लॉग में, देखते रहेगा ब्लॉग। आओ इधर आओ बेटा, ये रहे मेवान जो कि बहुत ही एक्साइटेड है जाने के लिए। तो गाइस यहाँ पे हम लोग जाने लग गए हैं और मेवान इतनी ज्यादा बातें कर रहा था कि मैंने वो सारी बातों को म्यूट कर दिया, बिकॉज सारी की सारी बातें आपको सुनाता तो आपको लगता कि कितना ज्यादा ये बोलता है। तो इसलिए इस टाइम पे हम लोग बस बातें करते हुए जा रहे हैं स्कूल। तो थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि हमारे घर से स्कूल जो है वो 7 किलोमीटर 7 किलोमीटर दूर है और एक्चुअली मुझे तो रास्ता भी याद नहीं है। तो मुझे ध्यान देते हुए जाना है कि कितनी दूर है और कौन सी रोड है, बिकॉज मुझे ही छोड़ने जाना पड़ेगा मेवान को। तो बस बहुत लोगों ने कहा कि इतने छोटे बच्चे का इतनी दूर एडमिशन ना कराओ, पर मेरा सोचना ये था कि स्कूल एक बार ही मुझे एडमिशन कराना है, तो जो मेरी मर्जी का स्कूल है एटलीस्ट उसमें एडमिशन करा देते हैं। और इसलिए मैंने जयपुरिया ही सिलेक्ट किया और मुझे जयपुरिया बहुत ही अच्छा स्कूल हमेशा से लगता है, क्योंकि मेरे यहाँ कानपुर में उसकी ब्रांच थी और वो बहुत ही अच्छा स्कूलों में उसकी कानपुर में काउंटिंग होती है। तो बस ये एकदम मिलेनियम के जस्ट बगल में ही है। मेवान ने प्ले अपना लिटिल मिलेनियम में किया था, तो मैंने सोचा था कि मिलेनियम में करा दूंगी, बट उसके जस्ट बगल में मैंने जयपुरिया देख लिया ना, तो मुझे लगा कि अब जयपुरिया में ही कराना चाहिए और जयपुरिया काफ़ी अच्छा स्कूल भी है। तो आज तो सिर्फ यूनिफॉर्म वगैरह लेनी है, बुक्स लेनी है और स्कूल की टाइमिंग वगैरह पता करके हम लोग को आ जाना है। तो मेवान आज तो बहुत एक्साइटेड है क्योंकि इनको स्लाइड करने को मिलेगा, इनको खेलने को मिलेगा, इनको ऐसा लगता है कि यहाँ पे हम लोग आते हैं एडमिशन कराने डेली। तो आज तो वो खुश है। अब इसका देखना है कि कैसा रिएक्शन रहता है इसका फर्स्ट डे पे स्कूल में। तो बस अभी हम लोग पहुँचते हैं स्कूल और लेकर आते हैं इसकी यूनिफॉर्म वगैरह और फीस वगैरह सबमिट करके आते हैं, तो आपको दिखाते हैं कैसा क्या है। हम लोग यहाँ पे थे, अभी बुक्स चेक करेंगे, आप लेंगे कितनी बुक्स हैं एलकेजी की भैया? एक बुक में आपका एलकेजी में नहीं है और एक फर्स्ट में नहीं है, आईडी और डायरी का। नाम क्या है? मेवान तिवारी। एमआई मेवान की बुक्स है हाथ में। और मेवान कैसा लगा बेटा? चोट लग गई। ओहो, बहुत सारी बुक्स हैं और स्कूल अभी 3 तारीख से स्टार्ट हो जाएगा। आ जाओ बेटा, बुक्स कैसी हैं, बुक्स कौन कौन सी हैं, क्या क्या हैं, ये सारी चीज़ें डिटेल में मैं आपको दिखाऊंगी अगर आप कहोगे तो, क्योंकि अभी घर जाके मुझे वैसे भी इसमें कवर वगैरह चढ़ाना होगा। तो अब घर जाके देखते हैं कौन कौन सी बुक्स मिली हैं, क्या सिलेबस है और बाकी सारी चीज़ें डिटेल में मैं आपको बाद में बताऊंगी, जब जैसा जैसा मुझे फील होगा कि आपसे साथ शेयर करना चाहिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और से मेवान, मेवान बाय, से बाय।